नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि आरटीआई ऑनलाइन कैसे करेंगे। पहले होता कि बाय पोस्ट किया जाता है, 10 रुपया का टिकट काट के हम लोग बाय पोस्ट कर देते हैं। तो अब जो वो सिस्टम को हटा के अब कर दिया है कि डायरेक्ट आप ऑनलाइन कीजिए और 10 का चालान कटाइए, आपका आरटीआई को बाय पोस्ट देना कोई जरूरी नहीं है। तो आईटीआर आप किसी से सूचना अधिकार, किसी से भी, आप किसी रोड चाहे हो, चाहे आपका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, जो भी है, तो आपको उसको ऑनलाइन वेरिफिकेशन आरटीआई कैसे मार सकते हैं, आईटीआई करने का क्या है प्रोसेस, कौन सा वेबसाइट में जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑनलाइन करने से पहले सबसे पहले कि वेबसाइट क्या है। ऑनलाइन करने का वेबसाइट है rtionline.gov.in। जैसे आप ये गूगल में टाइप कीजिएगा, इस प्रकार का होम पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिएगा होम के बाहर थोड़ा सा बगल में है सबमिट रिक्वेस्ट, तो आपको यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक कर देना। जैसे सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि आप किस विभाग से आपको जो है करना है, कौन सा मिनिस्ट्री। जैसे हमको एजुकेशन का डॉक्यूमेंट के लिए अगर हमको करना है, तो हम एजुकेशन का सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखेंगे कि हम एजुकेशन कौन सा ऑप्शन में है, उसको हमको कर लेना। जो भी डिपार्टमेंट का है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दूसरा है कि आपका हायर एजुकेशन कौन सा, भोपाल, जो बहुत सारा है, तो आपको जिस इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री सिटी जो भी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले मेल आईडी डालना है, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर डालना है, पुनः कन्फर्म मेल आईडी डालना है, नाम लिखना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड डालना है, उसके बाद इंडियन, इसको आप किस स्टेट से, उसको कलर रूलर है कि उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर कहाँ तक पढ़े हैं उसको आपको यहाँ पे लिख देना, 11th ग्रेजुएशन जो भी है, फिर पुनः आपको मोबाइल नंबर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको नौ पे अगर यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, बीपीएल नंबर से है तो बीपीएल कार्ड का नंबर लिखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नौ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको टैक्स फॉर आईटीआर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन क्या डालना है, जैसे आपको कोई सर्टिफिकेट का कुछ आपको मांगना है डिटेल, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, एडमिशन नंबर और सीरियल नंबर जो भी डॉक्यूमेंट में, वो लिखने के बाद थोड़ा 10-15 लाइन लिख देना है। अगर उस सपोर्ट में डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाल के कैप्चा डाल के यहाँ मैक के पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे मैक के पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो अगला पेज जो आपका खुलेगा, जैसे आप मैक के पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे नाम आने के बाद यहाँ पे आपको 10 रुपया का जो चालान कटेगा वो आ जाएगा। उसके बाद आपका इंटरनेट रुपये जो भी UPI जो भी है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको पे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्लीज वेट लिख रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा जैसे वेट कीजिएगा तो अगला आपका जो है डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। तो अगर UPI कीजिए, अगर मेरे पास नेट बैंकिंग है तो हम यहाँ नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे, हम आईडी पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। जैसे आप ये पेमेंट कटाने के बाद एक रसीद मिलेगा, तो हम रसीद दिखा देते हैं किस प्रकार का रसीद मिलेगा आपको। तो जैसे आप यहाँ कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको रसीद मिल 10 रुपया का जो हुआ है वो मिल जाएगा, और आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका स्थिति क्या है। तो जैसे आप पुनः आप RTI का होम पेज में आइएगा तो आपको यहाँ पे देख लीजिएगा सबमिट रिक्वेस्ट फॉर, तो यहाँ पे देखिएगा सबमिट रिक्वेस्ट फॉर के ऊपर में लिखा हुआ है व्यू स्टेटस। तो आपको यहाँ क्या करना है, व्यू स्टेटस में आज जो आपको रेफरेंस नंबर मिला है वो डाल देना, ईमेल आईडी और कैप्चा डाल के इसको सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्टेटस में चेक कीजिएगा, ये डालिएगा, तो आपको इस प्रकार का डिटेल आपको दिख जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ से डिटेल दिख जाएगा कि आपका क्या स्टेटस है। तो आप इस प्रकार स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ से प्रिंट भी स्टेटस रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो RTI ऑनलाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।